ये है सिलिकॉन जो कि भाई शीशे को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। छोटा सा छेद करा करके उसको वेल्ड करा दिया था नट को। मजाक बना रखा है गोप्रो ने। बहुत से बंदे पूछते हैं भाई मैं करता क्या हूँ। बर्फ यहीं पे पड़ना शुरू हो गई। देखो ओले का जबरदस्त है। आजकल अपना इंस्टाग्राम भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मेरा मन करता है कि मैं जॉब जूब छोड़ दूं, सीधा ट्रैवल करता रहूं। अच्छी बात है कि इसका स्पेस बहुत ज्यादा है। रिस्पेक्ट करती है। So, hey guys, good morning and welcome back to Rambling Boundaries. ये रही बुलेरो भाई, इसको दिखाना तो कोई फायदा नहीं है। ब्रियो जा चुकी है पापा के साथ और ये रही हमारी ए स्टार। मौसम है आज कातिलाना भाई, काफी टाइम से मैं ब्लॉग बना नहीं रहा हूँ। मम्मी आगे पीछे से गोप्रो लेकर के आने ने लिया हुआ था। और ये मेरा टिफिन है ब्रेकफास्ट सुबह का, इसमें थोड़े बहुत फ्रूट्स हैं। सुबह सुबह फ्रूट्स चलते हैं क्या मम्मी? हाँ छोटी छोटी लगी। चलो ठीक है भाई, इस गोप्रो का ना वैसे कोई फायदा तो है नहीं, छोटा मोटा काम ये कर ही देता है। इसकी ना भाई कितनी बार मैं बैटरियां चेंज करा चुका हूँ। ये लो भाई गाड़ी मैंने शाम को ही साफ करी थी, देखो क्या मस्त शाइनिंग कर रही है ना। अब इनकी बैटरियां लगाता हूँ चार्जिंग पे। ब्लॉग बनाऊं क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, डेटा ही खत्म हो गया भाई, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि भाई कंटेंट क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आज फिर से कैमरा उठाया हुआ है, चार्जिंग पे लग चुका है अपनी दोनों बैटरियां। और ये मेरे कोकोनट है खाने के लिए, जो कैपेस्टिक्स का चार्जर था भाई उठा दिया, यहाँ पे स्पेस ज्यादा गिर रहा था उससे। अगर आप लेना चाहो तो ये है बोट का चार्जर, बहुत प्यारा है भाई अपनी गाड़ी के लिए, छोटे में 350-400 रुपए के आसपास कॉस्ट करता है। मैंने आईफोन चार्जिंग के लिए लगाया हुआ है, आईफोन 5 है जो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। और दूसरी जगह अपना है वेजिटेबल्स, फ्रूट, गाजर, खीरा, संतरा और मूली। भाई मूली तो सवेरे डेंजर रहती है ना। और ये है भाई कुछ ऐसा सा वेदर सुबह का, तो आज देखते भाई करना क्या है। वैसे तो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, हवा पता कितनी तेज चली है। अभी मैं खिड़की खोलने लगा ना भाई, इतना पंचा रहा ना, खिड़की अपना बंद हो रही है। देखो ये देखो भाई, इवन गाड़ी स्लोप में खड़ी नहीं है फिर भी पंच बड़ा जबरदस्त आ रहा है। ये देखो भाई बाहर का वेदर, ओ बेटे ये है मौसम भाई, इसको बोलते हैं मौसम। इस मौसम का इंतजार भाई काफी दिनों से कर रहा था। मेरी आवाज पता नहीं आपको अच्छी आ पा रही है नहीं आ पा रही है, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज है भाई। माइक आके थोड़ा सा मैं हाथ रखता हूँ तब जाकर के थोड़ा सा बताता हूँ। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। तो भाई बहुत ज्यादा हवा चल रही है भाई यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मैं किसी पास में खड़ा हूँ भाई, पास मतलब माउंटेन वाला पास। गाड़ी की बैटरी भी डाउन हो चुकी है। 9:18 भाई, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था अपनी पूरी गाड़ी की डिटेलिंग बता दी थी उसमें कि कहाँ पे क्या चीज लगी हुई है और उसकी क्या कॉस्टिंग है। तो भाई ये जो मेरा स्पॉइलर है ना, ये है इसके नीचे सिलिकॉन लगा हुआ है, ये देखो अगर आप देख पा रहे हैं ना ब्लैक कलर का, तो ये है सिलिकॉन। मेरी गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रखी है भाई बारिश करके। ये है सिलिकॉन जो कि भाई शीशे को जोड़ने के लिए लगाया जाता है, वो मैंने यहाँ लगाया। प्लस ये जो छेद देख रहे हो ना आप, इसके अंदर आप एक नट सा देख पा रहे होंगे, तो हमने क्या किया था छोटा सा छेद करा करके उसको वेल्ड करा दिया था नट को। एक नट होता है एक बोल्ट होता है, ठीक है। तो बोल्ट हमने नीचे लगा दिया था, नट से इसको टाइट कर दिया। पता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ भाई, बट आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। तो उस तरीके से हमने ये लगाया, हमने बॉडी के जैसे आर पार नट डलता है ना इतना लंबा, वो वाला, इतना लंबा वो वाला काम हमने नहीं किया है। बस इससे ना ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है, फर्स्ट क्लास। और इससे आपको पता है ना भाई, मैं स्पीति भी करके आया हूँ, तो कहीं गिरने का या नीचे टूटने का कोई खतरा है ही नहीं इसका। 500 रुपए दिए थे मैंने उस बंदे को लगाने का। ये लो भाई इस स्पॉइलर को मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगा। सेंटर लॉक वाली फ्लिप की बनाई हुई है मैंने, ये मुझे कॉस्ट करी थी 1600 रुपए के आसपास। इससे पहले मेरे पास एक और छल्ला भी था, चाबी अलग थी, सेंटर लॉक अलग था। तो इसमें क्या हो गया भाई, चाबी एक जगह आ गई, सेंटर लॉकिंग भी एक जगह आ गई। 250 रुपए या 3000 रुपए के आसपास कॉस्ट करता है। बाकी गारंटी तो होती है, जितने भी आप सेंटर लॉकिंग लेते हो तो 1-1.5 साल की गारंटी देते हैं उसी के अंदर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको चेंज करवा सकते हो भाई। गाड़ी के अंदर भाई अपन हो चुके हैं भाई, देखो क्या प्रेशर लग रहा है गेट को खोलने के लिए। ओ भाई गाड़ी के अंदर घुस के ही मजा आता है। ओम नमः शिवाय। चलते हैं भाई अभी सीधा ऑफिस। टाइम 9:21 हो रखे भाई। देखो आईफोन से शूट करने का फायदा, एक एक चीज जो है क्लियरिटी के साथ दिखाता है भाई। ये आईफोन तो फिर आईफोन ही है भाई। एक लास्ट देखना अभी ये बैटरी चार्ज भी होगी भाई। एक हद है यार, मजाक बना रखा है गोप्रो की बैटरियों ने भाई। 10 मिनट लगाए मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। फाइनली हम पहुँच चुके अपने ऑफिस। बहुत से बंदे पूछते हैं भाई मैं करता क्या हूँ, जॉब करता हूँ तभी हमसे ट्रैवल नहीं हो पाता, क्या करे भाई, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज तो देना पड़ जाता है। कि उठा लिया हमने अपना बोरिया भी इस तरह, अब जा रहे हैं हम अपने ऑफिस। अब मिलते हैं भाई आपसे थोड़ी देर में। मौसम कितना मस्त हो रखा है ना, देखो पत्ते पत्ते गिर रखे हर जगह पे। ओले पड़ना शुरू हो गए हैं, ओले ओले ओले।
भाई ये है मंजर, अभी बर्फ यहीं पे पड़ना शुरू होगी। देखो ओले का एक जबरदस्त है, आज सुबह बोल रहा था भाई बर्फ देखने की इच्छा हो रही है, भगवान ने यहीं पे कर दी भाई बर्फ। मैं 6:36 चल रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। आज लेट हो गया भाई, 6 बजे छुट्टी होती है वैसे मेरी, आज आधा घंटा लेट हूँ। तो भाई यही है पूरे दिन की शेड्यूल। मेरे कुछ भाई बोल रहे थे भाई अब बताओ पूरा दिन करते क्या, भाई ये करता हूँ मैं, ऑफिस ऑफिस से घर और इस जेल भरी दुनिया में फंसा पड़ा हूँ। पैसा भी चाहिए ना भाई, ये लो अपनी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, लाइटें ऑन। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो घूमेंगे कैसे, और भाई घूमना भी बहुत जरूरी है। मैं अपनी वीडियोस देख रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम एक्चुअली क्या है, मैंने आजकल अपना इंस्टाग्राम भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, मैंने आईडी चेंज कर दी है। दोस्त आ गए थे थोड़ा बहुत इनसे ना बतिया लिए, अब उसके बाद आ रहे हैं घर। भाई यही है अपनी दिनचर्या सुबह से लेके शाम तक। मैं तो भाई कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं जॉब जूब छोड़ दूं सीधा ट्रैवल करता रहूं, बट बाद में सोचता हूं कि भाई ट्रैवल के लिए पैसा भी आएगा कहां से, थोड़ा सा ये मुझे लोचा हो जाता है। क्योंकि अभी भाई हमने आपके भाई ने गाड़ी ली हुई है ना, बोलेरो नहीं हो, थोड़ा सा उसका भी सिस्टम चला हुआ है। The next day. देखो भाई लेट होने का सिलसिला 9:30 हो चुके हैं, और ये देखो ये छोटा सा बच्चा चाबी लेके पकड़ा हुआ है, बोलता है मैंने साथ ही जाना है, अब ले लो आने में जाऊं। ओहो मम्मी पकड़ती है तो क्या होता है, मम्मी पकड़ना चलो। ये लो भाई ये है सेटिंग, चलो चलो ये। तो भाई फाइनली आने को छोड़ के आया दादा के पास, वो देखो टॉप पे ऊपर हो रहा है भाई। आज हम जाएंगे अपनी ब्रियो में भाई, आज इसके थोड़े से मजे लेते हैं क्योंकि आज देखते हूँ मैं ट्रिप पे निकलना है। ए स्टार को थोड़ा रेस्ट दे दिया मैंने, ये देखो सामने कौन है, टंटनन सामने है ए स्टार। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज, नया दिन नई शुरुआत। बाय बाय ए स्टार। बुलेरो के टायर अभी तक नहीं आ पाए हैं, समझ रहे हो आप भाई। ब्रियो में ना सबसे अच्छी बात यह है कि इसका स्पेस बहुत ज्यादा है, यानी कि काफी स्पेसियस गाड़ी है, बस अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होती ना तो मजा आ जाता है भाई। फॉग जमी है, इनको भगाने का एक ही उपाय है, थोड़ी देर के लिए एसी लगाओ और ये सारा फॉग गायब हो जाएगा, क्योंकि भाई सारी रात गाड़ी बाहर खड़ी रही, ओस पड़ती है फिर ये काम खराब हो जाता है। पानी देखो बाहर क्या तगड़ा है भाई, ये पता नहीं क्या हो रहा है, कभी फोकस हो रहा है कभी अनफोकस हो रहा है, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी भाई। फ्रूट्स फिर से सुबह का नाश्ता, सुबह सुबह अगर आप लाइट खाना खाते हो ना तो सही रहता है भाई। अपनी एरिया की मार्केट कुछ इस तरीके से भाई, चंडीगढ़ की जितनी मर्जी गलियों में चले जाओ आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा ही मिलेगा। ए स्टार को लेकर के ना भाई मैं बीच वाली गली से चढ़ जाता था ऊपर, अपनी ब्रियो को लेकर के नहीं चढ़ पाता क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ ना भाई, थोड़ा सा लॉन्ग कट करके मुझे जाना पड़ रहा है। जो अंदर बैठ के फीलिंग आती है ना यार, वो नेक्स्ट लेवल है यार, सीरियसली नेक्स्ट लेवल। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बस भाई एवरेज के मामले में थोड़ा सा कम है गाड़ी, अदरवाइज सब तो ओके ही है भाई। उसने देखो आदि योगी रखे हूँ भाई गाड़ी में, वो देखो देख रहे हो क्या मस्त लग रहे हैं। और हमारे पास है सीधे अपने गणपति बप्पा जी भाई, आईफोन का तो यही फायदा है भाई, जो मर्जी जूम मार के दिखा दो आप दूसरे की गाड़ी का भी व्यू। देखो इनोवा वाला कहाँ जा रहा है भाई, भाई नेक्स्ट लेवल बंदे हैं भाई सारे यार, ये स्पीड भाई ब्लोर लगा रखा है। बारिश के बाद जो धूप आती है ना वही नेक्स्ट लेवल होती है, और मस्त सीन रहता है भाई। ये लो लो भाई लो, पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन में, बार बार एक ही जगह आने का मन नहीं करता। लेके तो भाई संतरा भी आया था, इसको खाया नहीं भाई। गाड़ी और की है बहुत ज्यादा गंदी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं फोन भूल गया, फोन कौन सा भाई, आईफोन 5 है। हेलो भाई देख रहे हो इसकी हिस्ट्री भाई, बाद में बताऊंगा कि क्या हिस्ट्री है। टाइम है 9:48 और हमारा स्टाफ वहाँ खड़ा हुआ है, मुझे बोल रहे हैं कि भाई वहाँ आ जा, पर दिक्कत पता क्या है, अभी हमारे यहाँ पे पंचिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे पंच लगाएंगे फिर हम भी जाएंगे नीचे यार, रोजमर्रा की जिंदगी। एक यही रिस्पेक्ट करती है जो थैंक यू बोलती है भाई। भाई ऑफिस टूर, ये रहा अपना टेबल, ऐसा ऐसा गंद डाल के रखता हूँ मैं यहाँ पे, साफ सफाई होती नहीं ज्यादा, गंद तो भाई हर जगह है, ऐसा ही है। ये देखो है ब्रो कि मैं मेरी जो पोस्ट है यहाँ पे वो एज अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर, अपनी लाइटें ऑन करते हैं। और मैंने आपने एक चीज़ देखी होगी भाई, खाटू बाबा का फोटो लगा रखा है, जय हो बाबा जी। ये अपने टास्क है यहाँ पे, बोतल रखी है भाई मैंने ये टास्क कंप्लीट करने के लिए, 2 लीटर की बोतल ताकि मैं पानी पी सकूँ ढंग से। भाई लोगों ने अपने सिस्टम बड़े अच्छे से बनाए रखे होते हैं, बट मेरा ऐसे ही है, थोड़ा सा बैग में से सामान निकालते हैं उसको बाहर निकालते हैं तो उसके बाद अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं। हीटर तो मैंने भी नहीं लगाया भाई, थोड़ी देर लगाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। कि बाहर सारा कॉलिंग वाले बैठते हैं यहाँ पे, वो देखो भाई नीचे धूप सेक रहे हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा नीचे भाई, फिर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। और वो रही भाई अपनी गाड़ी,
वहाँ पे नीचे पूरा व्यू भाई ऐसे देख लो यार, मन तो कर रहा है कि यहाँ से उड़ जाएं, पर उड़े कहाँ पे ये समझ नहीं आता भाई। उड़ना भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, या तो पैसा आता रहे मैं उड़ता रहूं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। तो भाई हमारी शुरुआत हो कहाँ से रही है, आज हो रही है हमारी शुरुआत अपने ऑफिस के छत के ऊपर से। भाई गया भाई, अपने जो प्लांट है ना उसको धूप लगाना बहुत जरूरी है, 2-3 दिनों से उसको धूप नहीं लगी है, तो फिलहाल उसको नीचे से लेके आते हैं और उसको लगाते हैं धूप। भाई ये है अपना खास दोस्त जो मेरे साथ रहता है यहाँ पे ऑफिस में, मेरा साथ रहता है और माउंटेन्स की याद दिलाता रहता है भाई। तो इसको थोड़ा सा पानी देंगे, फिर उसके बाद इसको धूप देंगे। वैसे जो पौधे हैं ना भाई, इनको ज़्यादा धूप नहीं दी जाती, तो फिलहाल भाई आज अच्छी धूप आई है तो मैंने सोचा इसके भी मज़े लग जाएंगे। ये लो भाई, सारा दिन इसको यहाँ पे रखेंगे। जब मैंने इसको लेके आया था ना भाई, तो इसके जो ऊपर वाली कलियाँ हैं ना ये नहीं आई थी, अगर क्या मस्त सी आ रखी है ना, एकदम जबरदस्त हो रखा है भाई ये। और इसको धूप लगेगी अच्छी खासी, आसमान पूरा साफ है आज, ये देखो टोटल आसमान साफ है, बादल की थोड़ा सा भी कण नहीं है भाई, तो ये भी मस्त मजा करेगा। आज मुझे भी गर्मी लग रही है, क्या बोलूं भाई, कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, बस यही है ऑफिस की लाइफ, झंड लाइफ भाई। बज गए 6 और ये रही अपनी गाड़ी, समझ रहे हो। तो भाई आज का ब्लॉग बस इतना ही करेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, अपना टिफिन वगैरह यहाँ रख देते हैं। चलो भाई चलो, लो जी लो, क्या मस्त व्यू है। ये है श्री राधे कृष्णा का मंदिर यहाँ पे। अरे रास्ते में चलते चलते भाई दर्शन हो जाते हैं भगवान के, और क्या ही चाहिए। इस टाइम चला भाई आरती का टाइम, पूजा का टाइम हो रहा था भाई, देखो जबरदस्त है ना। डेली मुझे दर्शन होते हैं राधे कृष्णा के, और सामने ये भोले बाबा का भी मंदिर है भाई। जय श्री कृष्णा, बोलो राधे राधे। अपनी डेली की ड्यूटी होती है यहाँ से दूध लेना आने के लिए 2 लीटर, और उसके बाद सब्जी। आज सब्जी मैंने लेके नहीं गया, मतलब लेके नहीं आया भाई सब्जी। पूछो क्यों, कल सीन क्या हुआ, कल मैं भी ले गया सब्जी, छोटा भाई भी ले गया, पापा भी ले आए भाई, स्टॉक ज्यादा हो गया। आपके घर में भी होता है ऐसा कभी कि भाई सब्जी लेने के लिए आए तो सबने भाई गाजर, मैं 2 किलो लेके गया, पापा भी 2 किलो लेके आए, छोटा भाई भी 1 किलो लेके आ गया, मतलब गाजर का तो अंबार लग गया घर पे भाई। सबसे बेस्ट चीज ये है कि ब्रियो में शीशा पीछे बहुत बड़ा है और गाड़ी बहुत प्यार से मुड़ती है भाई। ये था आज का वीडियो, 2 दिन मैंने कंबाइंड करके आपको दिखा दिया कि क्या क्या करता हूँ मैं पूरा दिन भर। बस भाई यही रहता है सिस्टम, अभी ट्रैवल का देखते हैं भाई कहाँ का प्लान बनता है। भाई सबसे मेन तो ये पीछे एक तो अपनी ए स्टार खड़ी है, देखो फ्लैश से आपको दिखाई दे रही होगी भाई, आज आईफोन से ही शूट हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक। इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी किया है या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो भाई वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। ये जो लाइट है ना फ्लैश की, बहुत खतरनाक है, आंखों में चुभ रही है। अगर आपको आगे कौन सी वीडियो देखना पसंद है या कौन सा वीडियो आपने देखना चाहते हो भाई, तो आप कमेंट करो, मैं उस वीडियो को लेकर के आपके पास आऊंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद, जय श्री राम।